नवोदय विद्यालय देश भर के नवोदय विद्यालयों के लिए 20 तारीख को परीक्षा हुई है, 20 जनवरी 2024 को। तो उसमें एक प्रश्न पत्र लेकर आज मैं आया हूँ, उसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं ये देख सकते हैं। प्रश्न पत्र 2024 के लिए ये है मेंटल, आपको पता होना चाहिए, जो नए लोग हैं उनको बता भी दूँ। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होता है परीक्षा पैटर्न में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कुल प्रश्नों की संख्या 40 होती है, एक एक नंबर के 40 प्रश्न। अर्थमेटिक में कुल प्रश्नों की संख्या 20 है, उसी तरह से लैंग्वेज में कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। कुल 80 प्रश्न होने हैं और 100 अंक के होंगे। तो आइए देखते हैं। सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का भाग एक है, पार्ट वन में या भाग एक में प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसमें चार फिगर दिए गए हैं, चार फिगर में एक फिगर अन्य तीन फिगर से अलग है, उसको छांटना है। तो ये देख सकते हैं चार फिगर है, पहले वाले चित्र में तीन और तीन स्टैंडिंग और स्लीपिंग दोनों लाइन है, दूसरे फिगर में बॉक्स के अंदर दो स्टैंडिंग और दो स्लीपिंग लाइन है देखिए, और तीसरे वाले में तीन स्लीपिंग, दो दो स्लीपिंग तीन स्टैंडिंग है, और चौथे वाले में चार स्लीपिंग चार स्टैंडिंग है। तो दोनों से अलग ये है क्योंकि इसमें तीन तीन दो दो चार चार, जबकि इसमें तीन और दो है, तो ये अलग है। तो फर्स्ट का आंसर सी करेक्ट होगा। देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आप देख सकते हैं एरो दिया हुआ है, बैक साइड में एक डॉट है, एरो के ठीक बैक साइड में एक डॉट है, एरो के ठीक सी बैक साइड में एक डॉट है, और फोर्थ में एरो है जबकि उसके बैक साइड में अलग है, डॉट वाला जो है वो अलग है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, डी इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो आर सेट का है, टेस्ट बुकलेट आर सेट है, क्यू आर एस टी चार सेट है, जिसमें कि यह सेट आर है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में आप देखते हैं कि ये स्क्वायर में चार बॉक्स है, इसमें चार चार आठ बॉक्स है, चार बॉक्स है, चार बॉक्स है, तो जाहिर सी बात है कि बी आंसर सही होगा, जिसमें कि आठ बॉक्स है। आगे देख इस फिगर को देखते हैं तो इसमें पता चलता है, इस तरह से देख सकते हैं सर्कल में फिगर ऐसे बना है, अपोजिट डायरेक्शन में बना है, तो इधर बना है तो जाहिर सी बात है यहाँ से होना चाहिए आधे से, लेकिन आधे के बजाय कर दिया है वो पूरे से, तो ये अलग हो गया, तो इसीलिए आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आप पार्ट टू में देख सकते हैं, बोल रहा है कि उस फिगर को सेलेक्ट करना है जो कि एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर, क्वेश्चन फिगर में जो दिया है उसकी के समान उसी के समरूप कह सकते हो, जो कि जो बॉक्स होगा जो फिगर होगा उसको सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट वाले में ये देख सकते हैं इस तरह से, तो इससे इक्वल है, ये इसके जैसा दिख रहा है, मतलब लगभग सेम है, समरूप है, इसमें इधर है, इधर देख सकते हैं ये इस तरीके से है, ये ऐसे है, तो ये सही लग रहा है, तो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन सिक्स में देख सकते हैं एरो इधर से दिया हुआ है, तो इसके ये दोनों तरफ एरो है, ये दोनों तरफ एरो है, ये दोनों तरफ एरो है, जबकि इसमें सेम जो क्वेश्चन फिगर है उसी के जैसा फिगर है, तो इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेवन देखते हैं, ये क्वेश्चन फिगर है, तो ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अंतर है तो ये नहीं होगा, ये तो यहाँ पे अंतर है बिल्कुल भी नहीं होगा, ये डार्क है तो ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन एट में देखिए क्वेश्चन फिगर को, क्वेश्चन फिगर में इस तरह दिया ये, और ये देख लीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया, मतलब ये कट हो जाएगा, यहाँ पे एक जैसे दिया है तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये अलग अलग दिया है यहाँ पे, ये दोनों तरफ ऐसे बॉक्स गलत बने हैं, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर बी। पार्ट थ्री में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि क्वेश्चन जो फिगर है उसमें का एक पार्ट मिसिंग है,
उस मिसिंग पार्ट को आपको इस डायरेक्शन में फिट करना है, तो कोई भी एक जो आंसर है उस पे फिट बैठेगा। इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 में देख सकते हैं इसका मिसिंग जो पार्ट होगा, ये मिसिंग पार्ट ये होगा ए, करेक्ट आंसर होगा मिसिंग पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं इसका मिसिंग पार्ट ऐसे होना चाहिए थे, इस तरह से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर मिसिंग पार्ट यहाँ से होना चाहिए थे, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इसका मिसिंग पार्ट देख लीजिए, ये यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, तो ये फिट हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन 12 के बाद पार्ट 4 भी लगभग पार्ट 3 के जैसा है, इसमें जो मिसिंग है वो आपको फिगर को इसमें सेलेक्ट करना है, दिए हुए ए बी सी डी जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो मिसिंग होगा वो ये हो सकता है बी, बी करेक्ट आंसर हो सकता है, यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ये करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये मिसिंग हो सकता है, ये करेक्ट होगा, ये देखिए यहाँ पे है, फिर इधर आ गया, फिर ये आ गया, तो यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है, ये जो एक तरफ सर्कल छोटा सा बना हुआ है वो सही जगह पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए सिंगल एरो अपोजिट डायरेक्शन, सिंगल एरो अपोजिट डायरेक्शन, फिर वो फोर वाला हो जाएगा, मतलब इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी समझ सकते हैं आप। इसके बाद देखते हैं 16, 16 में ये संख्या बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 हो गए, तो ये फोर वाला जो भी होगा बी फोर वाला, 1 2 3 4, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 16 का। अब पार्ट 5 में देख लीजिए इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20, देयर आर टू सेट्स ऑफ टू क्वेश्चन फिगर्स ईच, द सेकेंड सेट हैज़ एन इंट्रोगेशन मार्क, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू क्वेश्चन फिगर, सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वेश्चन फिगर, सेलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर। इसमें यहाँ पर जो ये दोनों के इक्वल इससे ये जो फिट हो रहा है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बदले आपको सही फिगर को सेलेक्ट करना है, ये आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या होगा। ये देखिए दोनों तरफ लाइन लगा हुआ है, सर्कल ऐसे बना है, तो उसके बदले में लाइनें हट गई और केवल सर्कल बचा, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, तो ये लाइनें हट जाएंगे और सर्कल केवल बचेगा, तो इस तरह से ये इसे मैच कर सकता है। तो ये 17, 18 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में फोर लाइंस का ये देख सकते हैं, फोर स्लिपिंग लाइंस है, तो इसके बाद टू स्लिपिंग लाइन के साथ ही हो गया, तो वन स्लिपिंग स्टैंडिंग लाइन, तो स्टैंडिंग लाइन में थ्री का फोर हुआ है, तो ये होना चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट, 18 का ए ज़्यादा सही हो सकता है। आइए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में देख सकते हैं इसका फिगर ये इससे मैच कर रहा है, तो इसके बराबर 19 में हो सकता है बी, बी इसका ये देखिए इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे ये अपोजिट का ये हुआ तो इधर गया, तो इधर डायरेक्शन वाला ये बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 20 भी देख सकते हैं, एरो नीचे की तरफ है, तो ये अपोजिट हो गया, तो ये हो, तो ऐसे करके ये होना चाहिए, तो इस हिसाब से सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों पार्ट 6 में जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ इसमें कुछ इनकम्प्लीट है, तो चार ऑप्शन में से ऐसा कोई एक ऑप्शन लेना है जो कि यहाँ पर सांचे में सही बैठ सके, तो मेंटल एबिलिटी का ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस सांचे में बैठने लायक कौन सा है, ये क्लियर पता चल रहा है, इसको अगर
यहाँ पर फिट कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 में इस सांचे पर अगर सही बैठ सकता है तो वो भी ये लग रहा है ए सही बैठ सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ये मैं अपने हिसाब से जो भी इधर उधर सोर्सेज थे मेरे परिचित के टीचर्स उनके क्वेश्चन के लिए जो आंसर बताया गया तो उसके आधार पर मैं यहाँ पे बताने कोशिश कर रहा हूँ। मॉडल आंसर हो सकता है, किसी में एक आध दो सही गलत हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा जब इसका मॉडल आंसर आएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ये जो दिया हुआ इस पर क्या बैठाया जा सकता है, तो ऑप्शन इसमें सी को अगर यहाँ पर रखते हैं तो वो सही फिगर पूरा हो जाएगा, तो ये 23 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर क्या बैठ सकता है, ये इसके लायक ये नहीं होगा, ये बी बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये इसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको मिरर इमेज जो फिगर उसको क्वेश्चन फिगर दिया है, क्वेश्चन फिगर का मिरर में देखने पर जो भी ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को आपको छांटना है। इसको मिरर इमेज क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज देखें शीशे में या दर्पण में वो कैसे दिखेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 का अगर देखें तो ये देख सकते हैं अगर यहाँ पर शीशा रखा जाए, मिरर रखा जाए, तो इसके अपोजिट साइड में ये इधर हो जाएगा, तो ये सही होगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर इस ऑप्शन को देखें, इस फिगर को यहाँ पर शीशे से देखेंगे तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर इसको मिरर रखा जाए तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है, सी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। मिरर में देखेंगे टी इधर आ जाएगा, तो टी इधर मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ये ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 29 या पार्ट 8 में दिया है, पेपर को अगर फोल्ड करके रखा जाए और ओपन किया जाए तो कैसे दिखेगा, वो कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन फिगर दिया है तो इसमें देख सकते हैं ये कैसे फोल्ड किया हुआ है। पहले समय क्वेश्चन 29 में इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है ए। यहाँ पे कट मार्क है, मतलब चारों कोनों में कट मार्क आया है, तो ए अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो सकता है, ये कट मार्क यहाँ पर लगा है तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इसका, करेक्ट ऑप्शन ए से रिलेटेड हो सकता है। 32 की बात करें तो 32 में करेक्ट ऑप्शन इसका ये सी से मैच कर सकता है। स्टूडेंट्स इसमें ऐसे क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है जिसके एक एक टुकड़े को अगर मिलाएं तो इसमें से क्या फिगर बन सकता है वो सेलेक्ट करना है आपको। तो 33 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो सकता है बी, बी को आप सही ऑप्शन मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन रहेगा, इन फिगर्स को अगर आप बनाना चाहें तो डी के जैसा फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ये फिगर ये बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ फिगर काफ़ी कुछ उससे बनाया जा सकता है सेक्शन सी के जैसा। स्टूडेंट्स इसमें ऐसे क्वेश्चन पार्ट 10 में ऐसा क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है जो कि यहाँ पर बने हुए ऑप्शन में एक में छिपा हुआ है, ये जो फिगर है ऐसे, तो ये फिगर यहाँ पर छिपा हुआ है, उस फिगर को आपको ऑप्ट करना है और उसको करेक्ट मार्क लगा कर ओएमआर शीट में भरना रहता है।
तो ये देखते हैं, तो ये देख सकते हैं ये छिपा हुआ है किसमें, आप पहचान गए होंगे। अगर पहचान गए तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में करके अवश्य दीजिए, मैं इसका आंसर नहीं बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भी आप देख सकते हैं ये ऐसे करके बना हुआ है, तो ये किस फिगर में छिपा हुआ है इसको मैं बता देता हूँ। सेक्शन इसमें 38, क्वेश्चन नंबर 38 का सी करके ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 ये देख सकते हैं यहाँ पर छिपा हुआ है, ये छिपा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 30 के बाद, 39 के बाद 40 देखते हैं। 40 में ये छिपा हुआ कहाँ पे हो सकता है, सी हो सकता है इसका सही ऑप्शन, 40 का सी, क्वेश्चन नंबर 40 का सी। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज ये दो सेक्शन का एक अलग वीडियो बना के मैं ला रहा हूँ, ये वीडियो भी मिल जाएगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 इसको लेकर मैं कल अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।